This is Ankush from Triple S, and I welcome you again in the MCQ series on Indian culture and heritage. And today I'll be covering Indian culture and heritage with special reference to visual arts, and I'll be covering MCQs in architecture, pottery. एंड स्कल्पचर्स ठीक है जी तो देखिए अगर हम इंडियन कल्चर की या आर्ट की बात करें अगर मैं विजुअल आर्ट की बात करूँ स्पेसिफिकली अगर मैं आर्किटेक्चर की बात कर रही हूँ या स्कल्पचर्स या की या पोट्री की बात कर रही हूँ तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम एंशंट इंडिया से आते आते मॉडर्न इंडिया तक हाँ, मैं कवर करूंगी थ्रू एम ठीक है सीक्वेंस वाइज चलेंगे अगर मैं एंशेंट इंडिया की बात करूँ तो जैसे हमारे पास सबसे पहले हरप्पन आर्ट आता है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आर्ट जो आर्ट प्रिवेल किया ठीक है फिर हमारे पास मौर्यन मौर्यन आर्ट आता है फिर पोस्ट मौर्यन आर्ट आता है फिर गुप्ता एज आती है और फिर साउथ इंडियन आर्ट आता है ठीक है जी उसके बाद फिर मेडिवल इन इंडिया इन, का हम आर्ट पढ़ते हैं जिसमें हम डेली सल्तनत और मुग़ल आर्ट पढ़ते हैं और फिर मॉडर्न इंडिया में हम इंडो गोथिक और रोमन स्टाइल के बारे में हम स्टडी करते हैं ठीक है जी तो हम एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक हम कवर करेंगे ठीक है एनशियट में मैंने आपको क्या कहा जैसे हरप्पन है मॉर्न है फिर पोस्ट मॉर्न है गुप्ता एज है साउथ इंडियन आर्ट है ठीक है तो हम एक एक करके सीक्वेंस वाइज ही एम लेके हम चलेंगे ठीक है जी तो जिससे जिसके, जिसके थ्रू मतलब मैक्सिमम आपका जो है आ, मतलब आर्किटेक्चर है या ये या, या, या फिर स्कल्पचर्स है पॉटरी है ये कवर हो जाएगा ठीक है ओके तो क्वेश्चन नंबर वन की तरफ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच कलर्ड पॉटरी वाज मेनली सीन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन ओके कौन से कलर की पॉटरी जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी हड़प्पा आर्ट में आपको देखने को मिलेगी ठीक है देखिए इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ओके तो कौन से कलर की पॉटरी है जो मिलेगी तो दैट इज रेड एंड ब्लैक वेयर ओके सो द आंसर इज बी ठीक है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रेड एंड ब्लैक वेयर क्या था इसमें देर इज टू टाइप्स ऑफ पॉटरी जो कि प्रिवेल करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो टाइप की पॉटरी मिलती थी हमें ओके okay. एक थी व्हील पॉटरी मतलब व्हील से जो मटके बनाए जाते हैं व्हील के थ्रू जो बनाते हैं दूसरी थी परफोरेटेड क्या थी परफोरेटेड पॉटरी ठीक है परफोरेटेड का मतलब समझ गए ना आप जब जिसमें मतलब कुछ छेद छेद होंगे कुछ ऐसे ठीक है होल्स होंगे जिसमें ठीक है होल्स होंगे राइट तो ये जो परफोरेटेड स्टाइल है ये स्पेसिफिकली uh, कहा जाता है कि फॉर अल्कोहल कंजप्शन मतलब ऐसे कंटेनर्स उनको परफोरेट उन होल्स किया जाता था फॉर uh, अल्कोहल uh, के लिए ठीक है तो ये परफोरेटेड पॉटरी भी यहाँ पे काफी ज्यादा यूज की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में और डिजाइन बनाए जाते थे जैसे ट्रीज के बर्ड्स के कुछ एनिमल फिगर्स के कुछ जोमेट्रिक फिगर्स जो है वो भी होती थी ठीक है तो द करेक्ट आंसर इज रेड एंड ब्लैक वेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा कौन सी पॉटरी थी ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू से वट इज द नेम ऑफ मटीरियल विद विच दी हरपन सील वॉज मेड ओके विच वॉज द मटीरियल जिससे हरपन की सील बनाई जाती थी ठीक है सील होती थी ट्रेडिंग पर्पज के लिए जो हम यूज करते थे ठीक है ठप्पे हो गए होगी जो किए जाते ट्रेड पर्पज के लिए और ये अभी रिसेंटली जो आ, हमारा के एस के एग्जाम हुआ था ठीक है अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में जो रिसेंटली एग्जाम हो उसमें यह क्वेश्चन आया था इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी स्टेटाइट ओके देखिए

टेराकोटा आप काफी सुनने में मिलेगा अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी टेराकोटा फिगर्स जो हैं इमेजेस जो है वो मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेराकोटा का सिंपल मतलब होता है जब आप क्ले को फायर के थ्रू बेक करोगे जब आप क्ले को जो है मिट्टी को पक्का करने के लिए क्या करते हैं उसको आ, है ना उस, उसको जलाते हैं फायर बेक्ड जो है वो बनाते हैं तो दैट इज टेराकोटा फिगर्स ठीक है तो जो सील्स हैं वो स्टेटाइट की भी बनती थी आइवरी की बनती थी टेराकोटा की बनती थी मेनली स्टेटाइट की बनती थी ये क्वेश्चन पूछा गया था के में डायरेक्ट क्वेश्चन था इजी था ठीक है ओके अगर हम ऑप्शन ए और बी की बात करें कॉपर और ब्रोन्स की बात करें तो कॉपर और ब्रोन्ज में काफी ज्यादा स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे स्कल्पचर्स किसे कहते हैं देखिए स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्ति सिंपल मूर्ति बनाना ठीक है मूर्तियां जो है वो स्कल्पचर्स का पार्ट होती है अगर मैं कॉपर और ब्रोंस की बात करूं स्पेसिफिकली तो स्कल्पचर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे uh, कॉपर और ब्रोंज्ज मेटल के ठीक है और इनफैक्ट ये काफ़ी ये कॉपर और ब्रोंज्ज जो है काफ़ी ये मेटल जो है यूज़ किया जाता है इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो ब्रोंस एज कहा जाता है ठीक है आयरन की जहाँ मैं बात करूँ तो कहा जाता है आयरन इस टाइम पर नोन नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओके okay? तो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर टू स्टिएटाइट सी इज द करेक्ट आंसर ओके कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री से इज The great bag and bronze dancing girl was found at ग्रेट बाथ और ब्रॉन्स डांसिंग गर्ल काफ़ी अगर आपने एंशंट हिस्ट्री पढ़ी भी होगी तो आपने ये ये नाम तो आपने देखे ही होंगे ग्रेट बाथ और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के बारे में तो कौन सी साइट को जो है स्पेसिफिकली ये सारी साइट्स के नाम है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओके okay? तो कौन से साइट को ये स्पेसिफिकली बिलोंग करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं मोहनजोदाड़ो को ठीक है तो मोहनजोदाड़ो में आपको ग्रेट बाद मिलेगा ग्रेट बाद एक रिचुअल बाद के लिए यूज किया जाता था ठीक है और मतलब इट अ टाइप ऑफ वहाँ का स्विमिंग पूल लगा लीजिए जो जो रिचुअल बाद के लिए यूज़ किया जाता था ओके और इन इसके अलॉन्ग साइड जो है चेंजिंग रूम भी थे काफ़ी देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग थी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी ग्रिड सिस्टम था मतलब बहुत ही वेल uh, well जो है सिटी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें टाउन प्लानिंग इनकी मिलती है ठीक है तो ग्रेट बात हो, डांसिंग इमेज जो गर्ल है ये स्पेसिफिकली मोहनजोदाड़ो में मिलेगी आपको ठीक है मोहनजोदाड़ो में इनफैक्ट एक सील है जो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे सील के बारे में पढ़ा तो पशुपति सील जो है एक पशुपति सील जो फिगर है वो भी हमें मिलती है मोहनजोदाड़ो में ठीक तो है तो इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट मोहनजोदाड़ो इज इन पाकिस्तान अगर मैं चन्होदारो की बात करूं तो चनोदारो की जो लोकेशन है दैट इज ऑल्सो इन पाकिस्तान ओके चनहोदारो की इंपॉर्टेंस ये है इट इज द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल ओनली मतलब इंडस वैली सिटी है ये ओनली दिस इज द ओनली इंडस वैली साइट विदाउट जिसके पास सिटाडेल नहीं है सिटाडेल क्या है इसमें क्या है पूरी जो टाउन है आ, मतलब जितनी भी ये जो टाउन है ये अपर सिटाडल लोअर सिटाडेल में बांटी जाती थी अपर सिटाडेल का मतलब है जहां पे कोई स्पेसिफिक मीटिंग्स होंगी सोसाइटी के रिलेटेड कोई मतलब आ, है ना अपर पोर्शन पब्लिक के लिए जहां पर पब्लिक गैदरिंग्स वगैरह की जाएंगे लोअर सिटाडेल में जो कॉमन लोग हैं वो रहते थे ठीक है तो

बैंगल्स राइट तो बैंगल्स फैक्ट्री थी यहां पर इंपॉर्टेंट यह कालीबंगन में यहाँ पे ना फील्ड मिलेगा मतलब फील्ड प्लो uh, मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है तो प्लो मिलेगा यहाँ पे और एक ब्रॉन्ज बुल की इमेज भी मिलेगी तो दिस इज स्पेसिफिकली टू कालीबंगन ओके सो फिलहाल क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है दैट इज बी मोहनजोदड़ो ओके ऑलराइट कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर सेड मेकिंग फैक्ट्री बीड मेकिंग फैक्ट्री वॉज फाउंड एट बीड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ मिलेगी बीड का मतलब हो गया जो प्रेसिफिकली स्टोन है, है ठीके? जो इंडस्टेलेशन के लोग थे women, और दोनों ही ऑर्नमेंट्स पहनते थे नेकलेसेज हो गया फिंगरलेट्स हो गए आमलेट्स हो गए रिंग हो गई ठीक है इयर हो गए तो ये मेल्स uh, फीमेल्स जो है दोनों में ऑर्नमेंट्स काफी पॉपुलर थे इंडस्टवेल काफी फॉन्ड थे ठीक है तो बीड मेकिंग फैक्ट्री जो है कहा मिलेगी इंपॉर्टें क्वेश्चन का क्वेश्चन भी पूछ लेते बी इज द करेक्ट आंसर लोथल लो और चनो चन्होदारो ठीक है जी लोथल और चन्होदारो में आपको ये इन दोनों सिटीज में इन दोनों साइट्स में बीड मेकिंग फैक्ट्री के एविडेंस मिले हैं ठीक है ये आपको याद रखना है ओके कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव सेज इज विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज अशोकाज पैलेस सिचुएटेड ठीक है जी देखिए अभी तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यूज हमने किए ठीक है अब हम थोड़े मॉरियन जो है एंपायर में आ चुके हैं ठीक है थीके? तो ओके तो बात करते हैं कि विच अमंग फॉलोइंग प्लेसेस वॉज अशोकाज पैलेस सिचुएटेड अशोका का जो पैलेस है ये कहां सिचुएटेड था इनमें से ठीक है सो सी इज द करेक्ट आंसर कुमराहर ठीक है जी कुमराहर जो है इट इज नियर पटना और आपको पता ही होगा या आपने सुना होगा कि पाटलिपुत्र करके भी पैलेस था तो इनडीड दो पैलेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम मॉरियन की बात करते हैं स्पेसिफिकली अशोका की बात करते हैं पाटलिपुत्र कुमराहर कहा जाता है कि जो पाटलिपुत्र का जो जो पैलेस था वहां पर आग लगी थी वुडन पैलेस था वो तो आग लगी थी तो इस वजह से अशोका ने फिर एक नया पैलेस बनवाया जिसका नाम था कुमरहर ठीक है तो पटना में ये आपने पा, पाटलिपुत्र कुमरहर करके पाटलिपुत्र मुझे लगा काफी रिनाउंड है आप सबको पता ही होगा पाटलिपुत्र के बारे में आ, मतलब ऑलरेडी तो इसलिए मैंने कुमरहर का क्वेश्चन इंक्लूड किया ठीक है तो इट इज नियर पटना तो ये या आप याद रखिएगा देखिए ये जो श्री ये है श्रीवन बेला गोला है यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट जगह है मैसूर में है ये जगह अगर मैं बात करूँ चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके पास ही यहाँ पे जर्निज़म को अडॉप्ट किया था ठीक है और ये इम्पॉर्टेंट ये जो कुमराहर हैं और पाटलिपुत्र जो है ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं पैलेसेस थे और स्टोन और वुड के जो हैं ये स्पेसिफिकली बने थे ओके अगर मैं मॉरन किंग्स की बात करूँ अगर मॉरन एम्पायर की बात करूँ बहुत ही फ्लरिश्ड बहुत ही वाइड वास्ट जो है इनका एंपायर था राइट फ्रॉम हिंदू कुश जो है अफगानिस्तान से लेके नेपाल तक आ जाओ मतलब पूरा अफगानिस्तान बलोचिस्तान कश्मीर नेपाल पूरा इंडिया एक्सेप्ट कुछ ही जगह साउथ इंडिया की बचती थी बाकी सभी जो है वो मॉडर्न एंपायर के अंडर था ठीक है पूरे एम्पायर की डिटेल में एंशियंट में नहीं जाऊँगी क्योंकि हम आर्ट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल ठीक है जी ओके कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कैन वी फाइंड दी पिलर ऑफ अशोका ठीक है विजुअल नहीं है ये अशोका लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे चलो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ठीक है तो ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कैन बी फाइंड पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका अशोका की पिलर इंस्क्रिप्शन काफी पॉपुलर है पिल्लर्स अशोका पिलर्स का आपने सुना भी होगा ठीक है तो देखिए क्या था ये जो किंग अशोका थे ये लोगों के साथ कॉमन पीपल के साथ अपनी प्रजा के साथ कॉन्टैक्ट रखने के लिए ना क्या किया इन्होंने इन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शन बनाई मतलब इन्होंने एक तीन तरीके से ये लोगों के साथ अपनी जनता के साथ कांटेक्ट रखते थे एक इन्होंने बनाई मेजर रॉक एडिक्ट क्या बनाया मेजर रॉक एडिक्ट मेजर रॉक एडिक्ट का मतलब क्या एक बड़ा पत्थर है ना एक ह्यूज पत्थर जिसके ऊपर उन्होंने इंस्क्रिप्शन करी एक किया माइनर रॉक एडिक्ट मतलब छोटा पत्थर जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन करी और एक किया पिलर तो इन तीन आ, मतलब आ, इन तीन के थ्रू ठीक है मेजर रॉक एडिक्ट के थ्रू माइनर रॉक एडिक्ट के थ्रू पिलर रॉक इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो अशोका ने जो क्या है कांटेक्ट करने की आ, मतलब लोगों के साथ अपनी अपनी की उन्होंने कि अशोका ने क्या क्या अभी तक अचीव किया है हाउ ग्रेट इज़ दिस किंग ठीक है तो इसने अपने आप बताने की कोशिश करी अपनी इंस्क्रिप्शन के थ्रू ठीक है तो पिलर इंस्क्रिप्शन जो है आपको कहां मिलेंगे ओके तो पिलर इंस्क्रिप्शन जो है आपको मेरठ और सारनाथ दोनों में ही मिलेंगे पिलर इंस्क्रिप्शन मेरठ इज इन यूपी अगेन सारनाथ इज अगेन इन यूपी तो आपको जो है बी इज द करेक्ट सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी मेरठ और सारनाथ दोनों में मिलेंगे अगर मैं कांधार की बात करूं तो जो कांधार है ये अभी प्रेजेंटली अफगानिस्तान में है है ना और ये मेजर रॉक एडिक्ट की पार्ट है देखिए अगर मैं मेजर माइनर और पिलर रॉक एडिक्ट की बात करूं अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं तो जो ये मेजर रॉक एडिक्ट है ना अगर मेजर रॉक एडिक्ट की बात करूं तो ये टोटल पूरी मतलब ये टोटल आठ नौ है इन नंबर ठीक है एट टू नाइन इन नंबर है अफगानिस्तान में है जैसे शाहबाजगढ़ी है मानशेरा है ये ये अफगानिस्तान में पड़ते हैं ठीक है कलसी है ये दिल्ली में मिलेगा आपको एक गिरनार है गुजरात में मिलेगा ठीक है एक सोपारा है महाराष्ट्र में मिलेगा ये कुछ नाम है मेजर के ठीक है अगर मैं माइनर ऑकेटिक्स की बात करूं ये ये माइनर माइनर की बात करूं तो जो स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में है साउथ इंडिया के कुछ पोर्शन में है, हाँ दो तीन आपको नॉर्थ इंडिया में भी मिल जाएंगे ठीक है बट मैक्सिमम जो है ये साउथ इंडिया में है ठीक है जैसे मस्की है नितुर है ये इंपॉर्टेंट है मस्की और नितुर जो है माइनर ऑकेटिक्ट मस्की और नितुर में अशोका ने अपना नाम इंस्क्राइब भी करवाया हुआ है तो uh, मतलब ज्यादातर अशोका का अप, अशोका का खुद का नाम आपको कहीं किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा खाली इन दो में मिलेगा मस्के और नितुर में ठीक है जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं। पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करूँ तो बहुत सारे पिलर जो हैं अशोका ने बनवाए जैसे सांची और सारनाथ के जो पिलर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है uh, सांची पिलर एंड uh, सारनाथ पिलर दो ठीक है सांची इज इन एमपी एंड सारनाथ इज इन यूपी तो ये या आपको याद रखना है ओके okay? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग कैन कैन बी फाइंड एलिफेंट ऑन एलिफेंट ऑन अशोका पिलर ठीक है तो आप कौन से पिल्लर पर आपको एलिफेंट मिलेगा अशोका पिलर पर देखिए क्या था ये जो अशोका पिल्लर थे ना इसके ऊपर कुछ एनिमल्स थे मतलब कुछ एनिमल्स बनाए हुए थे क्या था इसमें कि ना अशोका पिलर था ऐसे सपोज ये शाफ्ट है अशोका पिलर की ठीक है उसके ऊपर फिर कुछ इन्वर्टेड बेल जैसा मिलेगा या लोटस जैसा मिलेगा ठीक है तो उसके ऊपर फिर ऐसे जैसे फिगर मिलेगी उसके ऊपर फिर कोई एनिमल सा बिठा दिया होगा ठीक है इस तरीके का आपको पिलर मिलेगा तो ये जो एनिमल है ना जो टॉप ऑफ द पिलर के ऊपर था ये एनिमल वेरी करता था मतलब अलग अलग एनिमल्स जो है इस पिलर के ऊपर बनाए गए ज्यादातर कौन से एनिमल बनाए गए या तो बुल मिलेगा आपको या तो बुल बनाया गया या तो हॉर्स बनाया गया या तो एलिफेंट बनाया गया या तो लायन बनाया गया लायन का तो हमें पता ही है या तो लायन बनाया गया है ना ये सारे जो है आपको मिलेंगे एनिमल्स ठीक है तो एलिफेंट जो है स्पेसिफिकली ये किस पिलर पे मिला ओके okay? तो एलिफेंट जो है ये मिला सन की साय पे ठीक है सन की सा इन सन की सा है ये, आई, आई को काट दीजिए ठीक है सन की सा में आपको मिलेगा एलिफेंट सन की सा कहां पे है इट इज इन यूपी सन की सा इज इन यूपी ये भी आप अगर कहीं नोट्स बना रहे तो इनको नोट कर लीजिएगा सन की इज इन यूपी एलिफेंट जो है ये मिलेगा आपको यहां पे अशोका पिलर के ऊपर जैसे अगर मैं रामपुरा की बात करू ना रामपुरा इज इन बिहार यहाँ पे बुल मिलेगा ये इनफैक्ट सारे ही एमसीक्यू के जो ऑप्शन है तो यहाँ बुल मिलेगा आपको ठीक है सन सन की अभी हमने कहा कि कहां पे यहाँ पे इस क्या मिलेगा एलिफेंट मिलेगा अगर मैं लुम्बिनी की बात करूं तो नेपाल में है ये लुम्बिनी है ना पता ही है हम सबको नेपाल में है वेरी सीक्रेट प्लेस क्योंकि यहाँ पे बर्थ हुआ था ठीक है लॉर्ड बुद्धा का ओके तो लुम्बिनी जो है इट इज अ बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा राइट नेपाल में है लुम्बिनी में जो पिलर है यहां पे हॉर्स मिलेगा क्या मिलेगा हॉर्स मिलेगा ठीक है और अगर मैं लॉरिया नंदागढ़ की बात करूं तो लॉरिया नंदागढ़ में आपको लायन मिलेगा और स्पेसिफिकली सिंगल लायन मिलेगा क्या मिलेगा सिंगल लायन मिलेगा एक ही लायन जो है बना हुआ है पिलर के ऊपर जैसे अगर मैं सांची और सारनाथ की बात करूं तो सांची और सारनाथ में चार लाइन्स है ना तीन जो है वो विजुअल होते हैं एक लाइन जो है पीछे है ठीक है तो चार लाइन जो है वो मिलेंगे सांची और सारनाथ पिलर्स के ऊपर नंदनगढ़ में आपको सिंगल लाइन मिलेगा तो ये इंपॉर्टेंट ही है सारे याद रखेगा इनके ऊपर जो स्क्रिप्ट है ना स्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट है ठीक है स्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिए ब्रह्मी और खरोश्ती स्क्रिप्ट कौन सी ब्रह्मी और खरोश्ती स्क्रिप्ट ज्यादातर ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो है वो यूज की गई और धाम प्रोपोगेट करते थे ये अशोका का सोवेरिटी ऑफ किंग मैसेज ऑफ मैसेज टू पीपल ये जो पिल्लर्स और रॉकेट के थ्रू जो है अशोका ने करवाई ठीक है जी ओके कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है

गॉड भी कह सकते हैं यक्ष इज द मेल मतलब ये यक्ष और यक्षिणी माना जाता था ऐसे स्कल्पचर्स हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर है ठीक है तो ये आप मेल गॉड लगा लीजिए यक्ष यक्षिणी आप लगा लीजिए फीमेल गॉड है ठीक है मॉरन के टाइम्स पे ही बनी थी मॉरन एम्पायर क्लब क्लब फ्लरिश हुआ था कब फ्लरिश हुआ था थ्री टू वन बीसी के लगभग जो है मॉरन एम्पायर जो है वो फ्लरिश किया था ठीक है अब जैसे कि मैं यक्ष की बात करूँ ना तो यक्ष आपको परखम जो जगह है मथुरा यूपी में वहां मिल जाएगा ठीक है यक्षिणी की बात करूं तो ये स्कल्पचर्स कहां पे बेसिकली फाउंड हुआ था दीदारगंज में पटना के पास है ये भी ठीक है तो ये आपको वहां पे मिला था ठीक है जी ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर पॉटरी फाउंड इन इज ठीक है है थोड़ा गैप हो गया है यहां पे तो देखिए पॉटरी जो है मॉरिन एंपायर में वो कौन सी थी तो ये आपने बताना है तो कौन सी पॉटरी थी मॉरिन एम्पायर के टाइम पे ठीक है ये आपने बताना है तो कौन सी पॉटरी जो है मिली थी मॉरिन एम्पायर के टाइम पे तो दैट वॉज दैट वॉज रेड करेक्ट आंसर नॉर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है यह मिला था यह पॉट्री जो है फ्लरिश हुई थी मॉरन एम्पायर के टाइम पे ठीक है जी देखिये रेड ब्लैक वेर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेड ब्लैक वेयर कब फ्लरिश हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन हरप्पन आर्ट के टाइम पे पेंटेड ग्रे वेयर जो है यह हुई थी वेदिक एज में क्या हुई थी वैदिक एज में याद रखिएगा वैदिक एज कब आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद देखिए क्या है इसके जो कॉन्टीन्यूटी है देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है है ना इंडस वैली के बाद आ जाता है वैदिक एज जब हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वैदिक एज आती है वैदिक एज के बाद आपकी मॉरन एज आती है वैदिक एज के क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वैदिक एज में एज सच कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर बना नहीं था कोई डायरेक्ट एविडेंस जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के वैदिक एज में इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं ठीक है थीके? आप कॉटरी याद रख लीजिए वैदिक एज की तो दैट वॉज पेंटेड ग्रे वेयर ये आपने याद रखनी है ठीक है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देन वैदिक एज देन मॉरन दैन एज ठीक है फ्टर मॉर्न एज वी हैव पोस्ट मॉरन देन गुप्ता एज देन पोस्ट गुप्ता एज ऐसे आपने याद रखना है ठीक है सिक्वेंस एंशियंट हिस्ट्री का ओके तो राइट कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन से कार्ली चैत इज पर्टिक्यूलर टू कार्ले चैत्य हॉल जो है ये है, किसको है, है, है या शुंग है ठीक है तो कौन सी डायनेस्टी का कार्ले चैत्य हॉल है ठीक है तो कार्ले चैत्य हॉल जो है सतवाहना डायनेस्टी का है सतवाहनास ने काफी ज्यादा केव्स भी बनाई सतवाहना डायनेस्टी के मैं बात करूं ठीक है सतवाहना डायनेस्टी को हम आंध्रास भी कहते हैं क्या कहते हैं आंध्रास क्योंकि जो सतवाना डायनेस्टी है ना ये आंध्रा में डेक्कन रीजन में इनफैक्ट महाराष्ट्र में कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात में ये सतवाना डायनेस्टी जो है फ्लरिश की थी ठीक है टाइम पीरियड जो है इसका सेकंड सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी सीई के लगभग जो है सतवाना डायनेस्टी आपको मिलेगी ठीक है तो देखिए कार्य चैत्य हॉल हॉल जो है ये जो है सतवाना ने बनाया था इनफैक्ट एक केव है कार्ले चैते हॉल करके कार्ले कारले कार्ले करके केव है उसके अंदर ही कार्ले चैते हॉल जो है वो मिलेगा ठीक है काफी ज्यादा केव जो है सतवाहनास के टाइम पे बनी अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करूं वेस्टर्न घाट्स के आसपास काफी ज्यादा केव्स जो हैं बनाई जैसे केव्स लाइक जैसे कांधेरी हैं पित्तलखड़ा है महाकाली केव्स हैं ठीक है बेडसा केव्स काफी इंपॉर्टेंट है वन ऑफ ओल्डेस्ट केव्स हैं ठीक है बेड़सा केव्स है, केव है, है? केव हैं तो ये सारी केव्स जो हैं ये सतवाना डायनेस्टी के टाइम पे बनी थी इनफैक्ट अगर मैं बात करूं आज के जो अजंता केव्स हैं काफी अलग अलग आ, मतलब एम्पायर डायनेस्टीज के टाइम पे अजंता केव्स का काम चला ठीक है अगर मैं अजंता केव्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट थर्टी केव्स हैं अजंता केव्स में है ना और सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं ओके ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्क्राइब है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अबाउट अजंता केव्स ठीक है तो थर्टी देखिए ये लगभग बुद्धिस्ट केव्स हैं ये इसमें से कहते हैं कि जो दो केव्स जो हैं वो सतवाहना डायनेस्टी के टाइम पे बनी थी ठीक तो है तो ये आपको याद रखना है ये कार्ले केव्स है कहाँ पे पूना के पास हैं ये पूना के पास हैं ठीक तो है okay. तो ये आपने याद रखना है ओके तो दिस इज अबाउट सतवाहनाज ओके ऑल राइट कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन क्वेश्चन से हिलोडोरस पिलर वॉज मेड इन विच एरास पिल्लर जो है यह कब बना था ठीक है तो दिस वॉज मेड ड्यूरिंग शुंग डायने करेक्ट आंसर जो है ये, आ, कौन थे बेसिकली हिलोरो ग्रीक एम्बेसडर ठीक है जी ग्रीक एम्बेसडर थे और ये शुंग के शुंग जब डायनेस्टी का जब टाइम पीरियड था ठीक है तो यहां पर हिलोरोडारस ने यहाँ पे विजिट किया था विजिटेड शुंग कोर्ट ठीक है और यहां एक जगह है विदिशा करके सांची के पास यहां पे मतलब यहाँ पे हिलोडारस ने विज़िट किया था इस हिलरोडोरस को हम गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं गरुड़ क्या है बेसिकली इट इज़ अ वाहन जिसको कहते हैं मतलब एक आ, सवारी व्हीकल है ये लॉर्ड विष्णु के ठीक है तो हेलोडारस पिलर को गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि इस स्तंभ इस पिलर के ऊपर जो है वो गरुड़ की इमेज जो है वो बनाई गई है ठीक है जो तो शुंगा डायनेस्टी डाने, डाने, के टाइम पर हुआ था देखिए ये डायनेस्टीज का क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अगर मैं इंडिया की बात करूँ पोस्ट एम्पायर पोस्ट मॉरन एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ था एक तो जो इंडिया है ना उसमें ये क्या मतलब फॉरेन इन्वेजन सुनी थी मतलब इन्वेजन तो नहीं कहेंगे फॉरेन फॉरेन के कॉन्टैक्ट्स में आए थे और ये इंडियंस ही बन गए विद द टाइम ठीक है जैसे फॉरेन से कौन कौन आया था अफगानिस्तान के थ्रू आते थे हिंदू कुश माउंटेंस के थ्रू ये आते थे ठीक है नॉर्थ वेस्ट के थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के थ्रू अगर मैं ये इंडिया की बात करूं अगर ये uh, मतलब ऐसा रफली बताऊं ये इंडिया का मैप है रफली सा ठीक है तो यहाँ से मतलब नॉर्थ वेस्ट के थ्रू ये इंडिया में जो है एंटर करते थे तो जैसे इंडो ग्रीक्स आए थे इंडो ग्रीक्स जो है ये आए थे तो ग्रीक का कॉन्टैक्ट रहा इंडिया के साथ ठीक है शाकाज आए थे जिनको हम स्कैंथियंस भी कहते हैं स्कैंथियंस और शाकाज आए थे पार्थियंस आए थे और कुशंस आए थे ये इंपॉर्टेंट है पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे कौन कौन आया था इंडो ग्रीक आए थे शाकाज आए थे स्केंथियस आए थे पार्थियन आए थे कुशंस आए थे ठीक है कुशंस तो कितने इंपॉर्टेंट है याद होगा बुद्धिज्म इन्होंने काफी ज्यादा फ्लरिश किया ठीक है हुशका जुश्का कनिष्का जो है कुशंस के कनिष्क जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है किंग रहे कनिष्क के तो ये या आपने याद रखना है ठीक है तो आ, ये आए थे सेंट्रल कॉन्टैक्ट में अगर मैं विद इन इंडिया की बात करूं तो जैसे मैंने आपको कहा सतवाहनाज जो है ये फ्लरिश किए ठीक है सतवाहनाज जो है ये आंध्रा के टाइम ये आंध्रा की जगह पर फ्लरिश किए शुंग डायनेस्टी जैसे अभी मैंने यहां पर शुंग डायनेस्टी की बात की ठीक है तो शुंग डायनेस्टी जो है ये पर्टिकुलरली एम में फ्लरिश कर रही थी एमपी में मगध के रीजन में सेंट्रल इंडिया में शुंग और कन्नव डायनेस्टी जो है ये फ्लरिश कर रही थी टू 27 सेवन बी सी जो है शुंग डायनेस्टी और कन्नड़ डायनेस्टी जो है फ्लरिश करी ठीक है शुंग डायनेस्टी स्पेसिफिकली अप टू तो 70 बी सी और कन्नव डायनेस्टी जो है अप टू तो 27 सेवन बी सी जो है ये करी ठीक है तो ये आपने कुछ इसके बारे में याद रखना है कि कौन कौन से जो थे पोस्ट यहाँ पे एम्पायर में थे ठीक है पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में ओके

मतलब स्कल्पचर्स जो है यहां पे आर्ट फॉर्म जो है यहां प्रिवेल कर रहा था एक तो था गांधार एक था मथुरा और एक था अमरावती ठीक है ये तीन जो है कर रहे थे अगर मैं गांधार आर्ट फॉर्म की बात करूं तो ये कुशन ने जो है ज्यादा फ्लरिश किया किसने फ्लरिश किया क्वेश्चन ने फ्लरिश किया और कहां पे फ्लरिश हुआ गांधार जो है प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है ना तो अफगानिस्तान के पार्ट में यानी वेस्टर्न पार्ट में जो है गांधार आर्ट फॉर्म जो है फ्लरिश किया क्वेश्चन ने करवाया और ग्रीक आपको यहाँ पे ग्रीक टच जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा अगर मैं मथुरा आर्ट फॉर्म की बात करूं तो अगेन मथुरा आर्ट फॉर्म जो है ये भी आ, मतलब कुशन्स ने ही ये ये ज़्यादा फ्लरिश करवाया अगर मैं अमरावती वती की बात करूं तो ये जो है आपका क्वेश्चन अमरावती की अगर मैं बात करूं तो ये टोटली इंडीजीनियस होगा इंडीजीनियस मतलब नेटिव हमारे कंट्री का विद इन ठीक है अमरावती जो आर्ट फॉर्म है ये सतवाह ने करवाया ये फ्लरिश किसने किसके टाइम पे हुआ सतवानाज के टाइम पे सतवाना कहां थे इनको आंध्रास भी कहते हैं मैं पहले कह चुकी चुके आंध्र प्रदेश में मिलेंगे ठीक है और सतवाना के बाद फिर एक डायनेस्टी आई थी जिसका नाम था इक्श ठीक है इक्श डायनेस्टी जो है सतवानास के बाद आई थी इन्होंने भी फिर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को आगे कंटिन्यू किया इन्होंने ठीक है जी तो ये या आपने याद रखना है अब बात है कि ब्लू ग्रे सैंडस्टोन स्टोन मटीरियल जो है ये किस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के रिलेटेड है तो दिस इज रिलेटेड टू गांधार सो ए इज द करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा गांधार को जो है पर्टिकुलरली गांधार अगर आर्ट फॉर्म की बात करूं तो बुद्धिस्ट रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे मूर्तियां किसकी मिलेंगी ज्यादा बुद्धिस्ट की मिलेंगी और ग्रीक आर्किटेक्चर को दर्शाएंगी किसको दर्शाती है ग्रीक आर्किटेक्चर को क्योंकि ग्रीक्स का कांटेक्ट हुआ मैंने आपको बताया कि ग्रीक्स आए थे स्कैंथियस आए थे पार्थियंस आए थे कुशन आए थे ठीक है अफगानिस्तान के थ्रू तो इनका कांटेक्ट जो है फिर इंडिया में रहा और अगर मैं गांधार आर्ट फॉर्म की बात करूं तो पर्टिकुलर ग्रीक्स जो हैं या कुशन्स कुशन जो हैं सॉरी क्वेश्चन जो हैं इन्होंने काफी आ, मतलब ये फ्लरिश करवाया गांधार आर्ट फॉर्म ठीक है जी तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर ब्लू ग्रे सैंड जो है दिस रिलेटेड टू गांधार ठीक है गांधार आर्ट फॉर्म याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेज रेड सैंडस्टोन मटीरियल जो रेड सैंडस्टोन मटीरियल है ये पर्टिक्युलर है टू विच आर्ट फॉर्म ठीक है किस आर्ट फॉर्म के रिलेटेड है पर्टिकुलर है रेड सैंडस्टोन ठीक है तो रेड सैंडस्टोन जो है इट इज रिलेटेड टू मथुरा इट इज रिलेटेड टू मथुरा आर्ट फॉर्म या स्कूल ऑफ आर्ट मथुरा आर्ट फॉर्म ठीक है गांधार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे गांधार में आपको ब्लू ग्रे सैंडस्टोन मटेरियल मिलेगा मथुरा में कौन सा मिलेगा रेड सैंडस्टोन मटेरियल मिलेगा अगर मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा आर्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आपको बुद्धिज्म हिंदुइज्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म जैनिज्म तीनों ही रिलीजन्स के आपको यहाँ इमेजेस मिलेंगे इनफैक्ट कुछ लोकल किंग्स की भी आपको इमेजेस मिलेंगी जैसे कि अगर मैंने बताया कि कुशन्स के टाइम पे जो है कुशंस ने ये मथुरा आर्ट फॉर्म काफी प्रिवेल किया तो कुशन्स का सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट किंग रहे वो रहे किंग कनिष्क है ना जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी कश्मीर में कुंडलवन में है ना तो ये अगर आपने एंशंट हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ा आपको आइडिया होगा तो लोकल किंग्स जो हैं उन्होंने उनकी भी आपको इसमें स्कल्पचर्स मूर्तियां जो हैं वो मथुरा आर्ट फॉर्म में मिलेंगी ठीक है गांधार की बात करूँ तो इसमें आपको खाली बुद्धिज्म की आ, आ, मूर्तियां जो है मेनली आपको बुद्धिज्म रिलेटेड मूर्तियां जो है वही मिलेंगी ठीक है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की बात कर ले तो सतवाहनाज ने बनवाई थी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उन्होंने फ्लरिश कराया उसके बाद इक्शकू करवाया तो वाइट मार्बल का मिलेगा आपको काम यहाँ पे इसका मिलेगा व्हाइट मार्बल का अमरावती जो है कहा मिलेगा आपको व्हाइट मार्बल का काम मिलेगा मेनली बुद्धिस्ट अमरावती भी जो है मेनली बुद्धिस्ट ठीक है देखिए वेदिक एज के बाद जो है मॉडर्न और आ, आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया ठीक है तो इस टाइम पे बुद्धिज्म जैनिज्म काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे बुद्धिज्म तो काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे किंग अशोका ने भी जैसे मैंने आपको बताया कि आ, मतलब बुद्धिज़्म जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गए थे तो इसीलिए आपको इसीलिए हमें बुद्धिज़्म का अगर हम वैदिक एज के बाद की बात करते हैं तो हमें अगर हम जैसे मॉरेन पोस्ट मॉरन की बात करेंगे तो इसीलिए हमें बुद्धिज़्म के के रिलेटेड बुद्धिज़्म जैनिज़्म के रिलेटेड हमें काफ़ी ज़्यादा हमें जो है स्कल्पचर्स मिलते हैं आर्ट मिलता है आर्किटेक्चर मिलता है उसके बाद फिर रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म फिर स्टार्ट हुआ था गुप्ता पीरियड के टाइम पे ठीक है गुप्ता जब ये पोस्ट मॉरियन पीरियड हो गया उसके बाद फिर गुप्ता पीरियड के टाइम पे आपको दिखेगा कि फिर फिर से मतलब, फिर से मतलब लाइमलाइट में आएगा जो कि पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है आ, आ गया था ठीक है तो इस तरीके से ये सिंकनाइजेशन है अगर आप एंशंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो ठीक है जी ऑल राइट कमिंग अपॉउंड टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर इन सेच स्टेज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड शिखर लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन टेम्पल्स अब हम आ गए जी गुप्ता पीरियड के टाइम पे ठीक है ये हमारा जो है पोस्ट मॉर्न पीरियड जो 200 मतलब 200 हंड्रेड बी सी टू थ्री हंड्रेड सी यानी 500 साल लगभग जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड चला उसके बाद आ गया जी गुप्ता पीरियड ठीक है क्या आ गया गुप्ता पीरियड गुप्ता पीरियड के टाइम पे आप देखेंगे कि टेंपल आर्किटेक्चर टेंपल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो मतलब एक बहुत छोटा वर्ड है बहुत ही ह्यूज वाइड मतलब मैग्निफिसेंट टेंपल आर्किटेक्चर टेंपल्स जो है वो बनना स्टार्ट होंगे मॉर्न टाइम ये सॉरी गुप्ता पीरियड के टाइम पे और गुप्ता पीरियड के टाइम के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे ठीक है जी पोस्ट गुप्ता टाइम पे भी ओके okay? तो गुप्ता पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो इन विच स्टेज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड शिखर लाइक स्ट्रक्चर्स शिखर लाइक स्ट्रक्चर जो है टेंपल आर्किटेक्चर में बने ठीक है फर्स्ट स्टेज में बने सेकेंड स्टेज में बने ओके फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज और नन ठीक है तो देखिए जो आ, क्या क्या है ये जो शिखर लाइक स्ट्रक्चर है पहले आंसर बता देती हूं सी है इसका थर्ड स्टेज में बने तो क्या हुआ ये जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे हम कहते हैं जो टेंपल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ ये पांच स्टेजेस में हम बेसिकली स्टडी करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ठीक है फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ जब ये टेम्पल बनना स्टार्ट हुए तो ये फ्लैट रूफ था इनका क्या था फ्लैट रूफ था और स्क्वायर इन शेप थे ठीक है फ्लैट रूफ और स्क्वायर इन शेप मतलब ऐसे सॉरी ये तो मेरा रेक्टेंगल बन गया ऐसे स्क्वायर में बनेगा ठीक है स्क्वायर में बनेगा और फ्लैट रूफ रहेगी इस तरीके के टेम्पल स्ट्रक्चर जो है वो बना फर्स्ट स्टेज में ठीक है सेकेंड स्टेज में भी फ्लैट रूफ ही रहा ठीक है और एक एम्बुलटरी पैस, पैसेज वे बन गया एम्बुलेटरी पैसेज वे हो गया मतलब जिसको पख प्रदर्शन मतलब पूरी टेम्पल की प्रदक्षिणा लेना हम जिसको कहते हैं मतलब टेम्पल के इर्द गिर्द घूमना ठीक है प्रदक्षिणा लेना उसको सेक्रेड होली माना जाता है ठीक है तो ये सेकेंड स्टेज में रहा सेकंड स्टेज में भी फ्लैट रूफ ही रहा थर्ड स्टेज में आपका शिखर बनना स्टार्ट हुआ शिखर का मतलब है ऐसे ठीक है मतलब ट्राइंगुलर शेप में और कई जगह ऊपर फ्लैग भी बन जाता था ठीक है फ्लैग भी बन जाता था तो ये ये जो है शिखर बोला गया इसको तो ये जो शिखर जो है बोला गया ये कब स्टार्ट हुई डेवलपमेंट शिखर बनने की टेम्पल में थर्ड स्टेज में स्टार्ट हुई तो थर्ड स्टेज याद रखना है ठीक है ऑल राइट कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर एंड द लास्ट सेशन लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन क्वेश्चन नंबर सेन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ आर्किटेक्चर इन गुप्ता पीरियड इनमें से कौन सा जो मंदिर है कौन सा जो टेम्पल है ये सेकंड स्टेज ऑफ आर्किटेक्चर दर्शाता है गुप्ता पीरियड के टाइम पे ठीक है जी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर बी ठीक है जी पार्वती टेंपल एट नचना कुठार एमपी नचना कुठार कहां पे है एमपी में है बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है ये अगर मैं पार्वती टेंपल की बात करूं पार्वती टेंपल को महादेव टेंपल भी कहा जाता है शिव पार्वती दोनों का टेंपल है ठीक है महादेव पार्वती टेंपल एट नचना कोठार एमपी ये आपने याद रखना है ये सेकंड स्टेज को दर्शाता है सेकंड स्टेज मतलब अभी फ्लैट रूफ ही था ठीक है पथ प्रदर्शना थी ठीक है प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ये एक ह्यूज प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो मंदिर है वो बनते थे ठीक है तो ये आपने याद रखना है एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है आ, अगर मैं बात करूं गुप्ता पीरियड के टाइम पे तो ये टेम, ये टेम्पल का नाम अभी मैंने ऑप्शंस में तो कहीं नहीं मेंशन किया है आप ये अपने आ, नोट्स में लिख लीजिए ठीक है तो टेम्पल का नाम है दश अवतार ठीक है जी क्या नाम है टेम्पल का दश अवतार टेम्पल ये आप याद रखिएगा दश अवतार टेम्पल जो है ये देवगढ़ यूपी में है कहाँ पे है वगढ़ यूपी में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको दश अवतार टेम्पल जो है लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है दिवगढ़ यूपी में है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओके okay? तो ये आप आ, याद रखिएगा दश अवतार टेम्पल भी जो है ये गुप्ता टाइम पे बना था देखिए सांची टेम्पल तो सांची कॉम्प्लेक्स सा आप जानते हैं अशोका के टाइम पे ही बना था बट यहां पे एक टेम्पल है आ, उसको उसको कहा जाता है टेंपल नंबर सेवनटीन क्या कहा जाता है टेम्पल नंबर सेवनटीन सांची टेम्पल दैट इज दी बेसिकली गुप्ता के टाइम पे बना था फ्लैट रूफ था इसका तो फर्स्ट स्टेज का अटेम्प टेम्पल नंबर 17 जो है फर्स्ट स्टेज फ्लैट रूफ जो है उसको दर्शाता है जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ठीक है पार्वती टेम्पल मैंने आपको बता दिया पार्वती टेम्पल नचना कोठार एमपी में ठीक है ये सेकेंड स्टेज को दर्शाता है दुर्ग टेम्पल जो है एहोल कर्नाटका में ठीक है ये बेसिकली चालुक्यास के टाइम पे बना था ठीक है टे टेम्पल को हम त्रिव ठीक है इसको हम विक्रमा टेम्पल भी कहते हैं ये शोलापुर महाराष्ट्र में है ठीक है सतवानाज के टाइम पे बेसिकली बना था रूंस कहा जाता है कि गुप्ता के टाइम पे कुछ रून थे मतलब कहा जाता है कि सतवाहनाज के टाइम पे ये बना गया था बनाया गया था ठीक है टे ते टेम्पल एट शोलापुर महाराष्ट्र तो ये जो है आ, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी पार्वती टेम्पल एट नचना कोठार जो है स्टेज को दर्शाता है मैंने कहा दस अवतार टेम्पल जो है यूपी देवगुड़ा में दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको भी आप याद रखिएगा ओके ये भी गुप्ता टेप गुप्ता टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे सेशन सो होप यू लाइक टू डेज लेक्चर इफ यू लाइक दी लेक्चर प्लीज हिट दी लाइक बटन ठीक है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो नए हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल